पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों को लेकर नोडल हेल्थ ऑफिसरों की तैनाती होगी। इसके अलावा पोलिंग टाइम में 1 घंटे का इजाफा भी किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी सभी जगहों पर 2 मई को वोटों की गिनती होगी। वहीं बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा, असम में 3 चरणों में मतदान होगा और पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 1 चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 27 मार्च को 30 सीटों पर मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 20 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 31 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 17 अप्रैल को 45 सीटों पर मतदान किया जाएगा। छठे चरण में 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। सातवें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आठवें और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को 25 सीटों पर मतदान किया जाएगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। वहीं केरल के 140 सीटों पर, तमिलनाडु के 232 सीटों पर और पुडुचेरी के 30 सीटों पर 1 चरण में मतदान होगा। तीनों जगहों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 2 मई को आएंगे। असम में कुल 3 चरणों में मतदान होगा, वहां कुल 126 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में वोटिंग 27 मार्च को 47 सीटों पर होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को 39 सीटों पर होगी। तीसरे चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को 40 सीटों पर होगी और नतीजे 2 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि पुडुचेरी में 22 लाख बाकी 4 राज्यों के प्रति सीट पर उम्मीदवार 30 लाख रुपए का खर्च कर सकते हैं। वोट डालने का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। ऐसा ही बिहार में किया गया था। नॉमिनेशन के दौरान उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। उम्मीदवार के साथ 5 लोगों को घर घर जाने की इजाजत है। अब आइए हम आपको बताते हैं चुनाव को लेकर इन राज्यों में कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। असम में 33,530 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 88,936 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,19,16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और केरल में 40,771 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पुडुचेरी में 1,559 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।